हेलो फूडीज, आतिश फूडी मील्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम बिरयानी। एग की बहुत सारी रेसिपीज आपने खाई होंगी, मगर ऐसी एकदम बिरयानी आपने कभी नहीं चखी होगी। तो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी ये, हम इसे इंस्टेंट बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं रेसिपी। एग बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कुकर ले लिया है और उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच देसी घी और उसी में हम कुछ सूखे मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 तेज़पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च। यहाँ पर मैंने बासमती चावल यूज़ किया है, लंबे चावल हैं ये, और इसे मैंने आधा घंटा सोक करने के लिए रख दिया था। चावल का पानी हमने निथार लिया है। अब ये सारे चावल हम मसालों में ऐड कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक। चावल को हमको 2 या 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। 2 मिनट हो गए हैं, मैं उसमें डाल रही हूँ 8-10 बूंदे नींबू का रस, ताकि चावल आपके खिले खिले बने। अब हम इसमें डालेंगे पानी। 1 कप के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी का यूज़ किया है। आप उसके अकॉर्डिंग पानी डालिए, आप अपने चावल के हिसाब से पानी डालिए। और अब हम ढक्कन लगा लेंगे और इसकी 1 सीटी ले लेंगे। दम बिरयानी बनाने के लिए जब तक चावल पक रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, हम कढ़ाई में बनाने वाले हैं। और मैं उसमें डालूँगी 1 चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है मैंने यहाँ पर, और जो तेल में मैंने प्याज को तला था वही तेल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग, 4 से 5 काली मिरी, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 स्टार अनियन। मसालों को 2 से 3 सेकंड तक हम इसे भून लेंगे। और इसमें मैं ऐड करूंगी तुरंत ही 1 बड़ा प्याज कटा हुआ। प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम अच्छे से भूनने वाले हैं। यहाँ पर प्याज हल्के हल्के से ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम उसमें ऐड करेंगे टमाटो, 3 बड़े टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पर, उसे बड़ा बड़ा कट कर लिया है। इसे भी हम प्याज के साथ में गलने तक पकाएंगे। अब हम टमाटर में ऐड करने वाले हैं नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। ध्यान रखिए कि हमने चावल में भी नमक डाला था, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा कम ही नमक डाल रहे हैं। टमाटर हमारे हल्के हल्के से गल गए हैं, उसमें अब हम सूखे मसाले ऐड करेंगे पीसे हुए, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी का यूज़ किया है। 1 चम्मच मैं यहाँ पर लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, 2 चम्मच धनिया पाउडर, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बिरयानी मसाला। मसालों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। मसाला हमने 2 मिनट के लिए भून लिया है और अब हम उसमें ऐड करेंगे 1/2 कटोरी के करीब मैं यहाँ पर दही का यूज़ कर रही हूँ। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम थोड़ा सा और पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं बॉईल किए हुए अंडे, इसे भी हम मसाले के साथ में 2 मिनट तक भूनेंगे। गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पर लो रखा हुआ है और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें धनिया पत्ती। चावल हमारे बहुत अच्छे से पक गए हैं, आप देख सकते हैं इसका दाना दाना अलग हो गया है। अब ये चावल को अब हम असेंबल कर लेंगे। अब हम लेयर बनाएंगे चावल के इसके ऊपर। चावल को हमने डाल दिया है और उसके ऊपर हम अब डालेंगे तला हुआ प्याज, कुछ धनिया पत्ती, कुछ यहाँ पर मैं ग्रीन चिलीज़ का यूज़ कर रही हूँ,
लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर, और कुछ कुछ जगह पर मैं यहाँ पे ड्रॉप्स डाल रही हूँ। अब हम इस पे ढक्कन ढक देंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर दम देंगे। 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं अंडा दम बिरयानी हमारे रेडी हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। एकदम बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप अगर इसकी प्रिपरेशन पहले से अगर कर ले तो। और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।